अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। आज ईद का दिन है, ईद उल अदा कुर्बानी का दिन है, तो बस कुर्बानियाँ होना शुरू हो चुकी हैं। हमारी गाय भी गिर चुकी है और बराबर वाले अंकल लोगों के घर के बकरे तो ज़िबा हो चुके हैं और उनकी गाय भी कुर्बान होने के लिए गिर चुकी है। तो यहाँ हमारी गाय गिर चुकी है और बस यासीन और दानियल गाय को जो है वो कुर्बान करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे जो आज हो रही हैं और जो बाकी के ईद के दिनों में होने जा रही हैं। अल्लाह पाक सब की कुर्बानियों को कबूल करे। तो बस आज जहाँ जहाँ कुर्बानी होनी है वहाँ की दिन जो है सबके बहुत ज़्यादा बिजी गुजरने वाले हैं और साथ साथ कुकिंग प्रोसेस भी चलने वाला है। तो बस हमारा भी आज ऐसे ही हो दिन गुजरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और बस कुकिंग टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं वो डिशेस बना रही हूँ जो जल्दी बन जाती हैं। जहाँ मैं पहले बना रही हूँ कीमा बिरयानी जो बहुत यम्मी बनती है और उसके साथ साथ बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। यह आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है मेरा व्लॉग कंटिन्यू ना रहे कुकिंग टाइमिंग पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ मैंने गोश्त के ऊपर कढ़ाई मसाला लगा के इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट होने दूंगी और उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी जब तक मेरी कीमा बिरयानी जो है वो बन रही है। यहाँ साथ साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और तकरीबन मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। व्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं रखा क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों डिशेस जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है ईद का तीसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे और यहाँ यासीन गाड़ी के लिए भी पानी रख रहे हैं और बाकी हमने सारी चीज़ें रख ली हैं। फजर का टाइम हो चुका था, बस नमाज़ अदा की है और हम लोग निकले क्योंकि जितना अर्ली जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से वापसी भी जल्दी होनी है और वहाँ पर मौसम हमें अच्छा मिल सके, ठंडा मिल सके, इसलिए हम लोगों ने बहुत अर्ली तैयारी की है। तो बस अब निकलते हैं हॉस्टल के लिए। भैया की मस्तियाँ बीच में उतर गया है कि उसको पिक्चर्स क्लिक करनी है। लीजिए लीजिए लीजिए, आगे 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 शिट यार, आप लोगों ने क्यों बिठा लिया इसे, होक्स भी तक हम इसे ऐसे लेके जाते। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हॉक्स पे और पिकनिक स्टार्ट होने से पहले यहाँ बच्चों का चल रहा है फोटो शूट। ये उड़े जा रहा है,
उड़ ही जा रहा है ये। इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट डालना होगा इसलिए फिर रुकेगा ये। हाँ वेट की वजह से रुका है अभी। देखिए यहाँ चल रहा है भैया भाभी का शूट विद मम्मा। यहाँ देखें यासीन अमर भाई और बड़े भैया लगे हैं कोयला चाय बनाने की कोशिश में, जो ये लोग काफ़ी देर से हो गई कोशिश करते करते कि किसी तरीके से आग जल जाए और ये लोग कामयाब हो जाए। और यहाँ पे समंदर किनारे ये लोग पिए कोयला चाय, तो जो है अभी तक तो बेचारे कोशिशों में लगे हुए हैं, इनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। पता नहीं इन लोगों को और कितना वो देखें यासीन ने हाथ हिला दिया कि मतलब ये लोग कामयाब हो गए फाइनली। तो चलो इन लोगों को तो मिल जाएगी अब कोयला चाय। और यहाँ पे मैं बराबर वाला जो हट था हमारे हट के बराबर में उसके रूफ पे मौजूद हूँ और यहाँ मम्मा भाभी ये लोग पानी की तरफ है और यहाँ का से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था समंदर का। और दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई भी फैमिली नहीं थी। और काफ़ी देर के बाद मतलब जब हम लोग सोचें कि जब हम लोग की पिकनिक एंड हो रही थी तब फैमिलीज कुछ आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत कम थी। तो ईद का तीसरा दिन जो है वो बहुत अच्छा है पिकनिक के लिए, तो ईद उल अज़हा पे अगर पिकनिक करनी हो तो ईद का तीसरा दिन बेस्ट है। तो चलो एंजॉय करें आप लोग भी हमारे साथ हमारी पिकनिक। ये देखिए बड़े भैया की हरकत है, बच्चों के स्विमिंग पूल में खुद बैठ कर यहाँ पे चल रही है हम लोगों की फुल मस्ती। और वहाँ पे देखिए भैया की मस्तियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो बेचारी आप ही के ऊपर बार बार डालता है मिट्टी और फिर शराफत से डाल देता है पानी कि देखो मिट्टी के बाद मैं पानी भी तो डाल रहा हूँ। एक एक आ रहा है मुझे या तो दो एक आ रहा है। अबे भाई आप नहीं गया। एक मिनट क्या गलत है यहाँ नहीं आएगी। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि पिकनिक हो चुकी है एंड। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पिकनिक रही, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी हमारी पिकनिक को एंजॉय किया होगा। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।